एमपीएससी पेड ग्रुप के मेंबर्स को आज जो पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी मैथ्स और रीजनिंग की, आई होप आप सभी ने क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करा होगा। इस वीडियो में हम देखेंगे इनके सॉल्यूशंस को। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स को यहाँ पर बता दिया जाता है कि अगर आप में से कोई UP SSC मंडी परिषद या फिर लोअर PCS वगैरह एग्जाम्स पर फोकस कर रहे हैं तो हमारा एक पेड बैच ऑलरेडी रनिंग है टेलीग्राम के अंदर। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस गिवन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आइदर व्हाट्सएप मैसेज के फॉर्म में और इवन कॉल भी कर सकते हैं। सेम टू सेम नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपने आज के क्वेश्चन से। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ द गर्ल इन अ ग्रुप बिकम्स 2:1 व्हेन 15 गर्ल्स लीव, बट आफ्टर वर्ड्स व्हेन 45 बॉयज ऑल्सो लीव द रेशियो बिकम्स 1:5। ओरिजिनली द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द ग्रुप वॉज, देखिए कोई ग्रुप है यहाँ पे जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, ये हैं बॉयज़ और ये हैं गर्ल्स। दिया हुआ है कि ये रेशियो 2:1 हो जाता है, लेकिन शुरू में नहीं था। जब 15 लड़कियां यहाँ से चली जाती हैं तब ये रेशियो बनता है। तब मान लीजिए उस कंडीशन में बॉयज़ रह जाते हैं 2x और गर्ल्स रह जाती हैं x। यहाँ तक क्लियर है सभी को? आगे दिया हुआ है कि अगर 45 लड़के और छोड़ के चले जाएँ, मतलब ये 2x-45 हो जाए और गर्ल्स तो वही रहेंगी x, तब ये रेशियो हो जाएगा 1:5। इक्वेशन क्या बनेगी? 2x-5/x इज इक्वल टू 1/5। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 2 5 10, ये 45 होगा, 10x-225 इज इक्वल टू x। ये इधर ले आइए आप इस x को, माइनस हो जाएगा तो 9x इज इक्वल टू 225। 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25। लेकिन जो 25 गर्ल्स हैं ओरिजिनल नहीं है, ये 15 लड़कियों के जाने के बाद की संख्या है। तो शुरू में कितनी थी? x+15, क्योंकि ये तो हमसे शुरू में ही दिया हुआ था हम लोगों को कि 15 गर्ल्स छोड़ के चले गए तब ये रेशियो बना, शुरू में नहीं था। तो शुरू में गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? जो भी आंसर आए उसमें आप 15 ऐड कर दीजिए, तो 25+15 यानी कि 40। तो 40 लड़कियां थी शुरू में, ऑप्शन नंबर सी। इसके हिसाब से सी, वैसे ए बी सी के बाद डी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ राम एंड श्याम सैलरी इज 9:13 एंड द रेशियो बिटवीन श्याम एंड मोहन सैलरी इज 4:7, देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द श्याम्स इनकम राम श्याम एंड मोहन इनकम। देखिए इसमें दो रेशियो दी गिवन है आपको, 9:13 और 4:7। आपसे कहा जा रहा है कि इन दोनों रेशियो को आप मर्ज कर लिए और ये बताइए कि तीनों की सैलरी का रेशियो क्या है। इस टाइप के सवाल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में, तो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज़ जाके आप उसे देख लें। देखिए ये है राम और श्याम, इनकी सैलरी का रेशियो गिवन है आपको 9:13, और ये हैं श्याम और मोहन, इनकी सैलरी का रेशियो जो दिया हुआ है वो है 4:7। अब रेशियो मर्ज करने का तरीका आपको मालूम है, आर उसके बाद जो वेरिएबल कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं और ये आ गया एम, और जो वेरिएबल कॉमन है तो यहाँ पे एस दूसरे नंबर पे तो 13 है, यहाँ पे एस फर्स्ट नंबर पे तो 4 है, तो ये 13 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 52। तो ये जो कॉमन वेरिएबल है यानी कि एस, इसको हमें बनाना है 52। तो 13 से 52 बनाना तो हमारे लिए आसान होता है, 4 टाइम्स हो जाएगा, दोनों जगह 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने बचेगा? 36, और ये 13 4 52 क्योंकि यही बनाना था। इसके बाद ये 4 है इससे 52 आप कैसे बना सकते हैं, तो इंटू 13, तो ये हो जाएगा 52:13 7 91। आप इस रेशियो को फाइनली फाइनली लिख लीजिए, 36:52, जो चीज़ दो बार है वो एक बार लिखी जाएगी और ये 91 यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनल रेशियो इसका क्या बना? 36:52:91, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, इफ द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ सचिन एंड द्रविड, द्रविड एंड गांगुली, गांगुली एंड अनिल इज 1:2, 2:3 एंड 5:6 रेस्पेक्टिवली, इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 9600 व्हाट इज द इनकम ऑफ सचिन। देखिए चार लोग की बात की जा रही है, सचिन, द्रविड़, गांगुली और अनिल, ये सब हमारे फेमस इंडियन क्रिकेटर्स हैं, ये चार लोग हैं। इनमें से तीन रेशियो आपके पास दिए हैं और बताया जा रहा है कि जब आप इन तीनों रेशियो को मर्ज करके एक अलग रेशियो बनाएंगे और उनके रेशियो के जो एलिमेंट उनको ऐड करेंगे तब आपको मिलेगा 9600। तो इनमें से एक की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, तो ये आपका क्वेश्चन है कुल मिला के।
पहला रेशियो क्या दिया हुआ है आपको, सचिन इज टू द्रविड़, इनका रेशियो कितना है, 1:2। फिर है द्रविड़ इज टू गांगुली, डी इज टू जी, ये कितना है, 2:3। और साथ ही साथ आपको दिया हुआ है गांगुली इज टू अनिल, ये कितना है, 5:6। अब आप इस इन दोनों को मर्ज करिए, और इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो आंसर आएगा वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, तो एक नया रेशियो हमको मिलेगा। तो पहला स्टेप कंप्लीट करते हैं हम लोग, मर्ज करते हैं, जो चीज़ दो बार लिखी है उसको एक बार लिखना होता है, डी इज टू जी। अब यहाँ पे जो रिपीटेड वेरिएबल है उसकी वैल्यू देख लेते हैं, तो यहाँ पे डी दूसरे नंबर पे तो 2, यहाँ पे डी पहले नंबर पे तो भी 2, तो ये चीज़ तो ऑलरेडी सेम है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सीधे आंसर लिख लीजिए, 1:2, 2:3। उसके बाद ये दूसरा जो रेशियो गिवन है जी इज टू ए, इसको मर्ज कर दीजिए इसके साथ, तो जी के नीचे जी लिखेंगे उसके बाद ए, इसी तरीके से यहाँ पे 5 और ये 6 बाहर हो जाएगा, जब ये रेशियो मर्ज हो जाएगा तो 6 अंदर चला आएगा, देखते हैं कैसे, इनको मर्ज करिए, S:D:G:A, ये चीज़ कितनी हो जाएगी, तो ये 3 है और ये 5 है, इनको हमें सेम बनाना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 3 और 5 का, तो 15, तो 3 से 15 बनाने का मतलब 5 से मल्टीप्लीकेशन, इसी तरीके से 5 से 15 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये पूरी चीज़ 5 गुना हो जाएगी, 5, 10 और 15, इसी तरीके से यह पूरी चीज़ 3 गुना हो जाएगी, 15 और 36, 18। अब आप इसको फाइनली कॉपी कर लीजिए, तो 5:10:15, जो चीज़ दो बार है वो एक बार लिखी जाएगी, 18। आप इन सबको सम करेंगे तो 18:15:33:10:48:5, सॉरी 43 और 5 48, 48 इनका सम आ रहा है, और सवाल के हिसाब से इसी सम की वैल्यू 9600 आपको दे रखी है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48, दो बार में 96 को काटेगा और 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे, तो 200, एक यूनिट की वैल्यू 200 है। हमसे पूछा हुआ है इसमें सचिन की इनकम, तो सचिन की इनकम कितनी हो जाएगी, 5 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो 200 × 5, 200 को आप 5 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 1000, तो 1000 यूनिट इसकी इनकम हो गई, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:3, इफ 50 बॉयज़ लीव द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स ज्वाइंट द कॉलेज। देखिए दिया हुआ है कि कोई रेशियो है गर्ल्स और बॉयज़ का, एक कॉलेज में 50 लड़के अगली साल क्या करते हैं, चले जाते हैं कॉलेज से, और 50 लड़कियां कॉलेज को ज्वाइन कर लेती हैं, देन द रेशियो बिकम्स 9:7, तो रेशियो तो ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा, तो ये चेंज आपको गिवन है, 9:7, द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द कॉलेज इज़, तो शुरू में लड़के कितने थे कॉलेज में ये हमें बताना है, तो ये रहे बॉयज़ और ये रहे गर्ल्स, कितना रेशियो गिवन है, 5:3, दिया हुआ है कि 50 लड़के चले जाते हैं, तो शुरू में लड़के आप मान लीजिए 5x और गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, तो 3x, 50 लड़के चले गए इसका मतलब 5x-50, इसी तरीके से 50 लड़कियों ने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, यानी कि 3x+50, अब ये जो रेशियो है ये आपका हो जाता है 9:7, तो 5x-50 अपॉन 3x+50 दैट बिकम्स 9/7, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 35x- ये 350, इसी तरीके से 9 × 3 = 27x+ 5 × 9 = 45, 450, ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा 8x, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 45, 35, 80, 10, 800, 8x = 800, तो एक्स का मतलब 100, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 100। पूछा हुआ है कि शुरू में कॉलेज में कितने लड़के थे, तो 5x की वैल्यू पूछी हुई है, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 × 100 यानी 500, तो शुरू में 500 लड़के थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये सिक्के से रिलेटेड सवाल आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे, अ मैन हैव ₹235 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपीज़, 50 पैसा एंड 25 पैसा कॉइन्स, एंड द रेशियो ऑफ कॉइन्स इज 11:15:20 रेस्पेक्टिवली, वॉट वैल्यू डू ऑल द 50 पैसा कॉइन हैव इन रुपीज़। देखिए किसी आदमी की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि उसके पास 235 रुपये हैं, लेकिन 235 रुपये अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1 रुपये की फॉर्म में, 50 पैसे की फॉर्म में और 25 पैसे की फॉर्म में, ये रुपीज़ है, मतलब जो इसके पास 235 रुपये हैं इसमें कुछ 1 रुपये के भी सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के और कुछ 25 पैसे के,
ये जो हमने लिखा ये वैल्यू ऑफ ईच कॉइन है, मतलब एक कॉइन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चीज़। और साथ ही साथ रेशियो दिया हुआ है इनके नंबर्स का, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स, इनके नंबर का रेशियो दिया हुआ है कितना है, 11:15:20। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे अब आइए अप्रोच देखिए, यहाँ पे एक कॉइन कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 रुपए को। कॉइन कितने हैं, 11, तो टोटल रुपए कितने बन जाएंगे, 11:1। इसी तरीके से यहाँ पे आइए, ये 50 पैसे का मतलब आधा रुपए होता है, 1/2 रुपीज़। और इसी तरीके से 25 पैसे का मतलब 1/4 रुपीज़ होता है। हमने क्या किया, इसको सेम स्केल पर ले गए हम लोग। तो यहाँ पे एक कॉइन आधे रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है और कॉइन कितने हैं, 15, तो टोटल वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये जो नीचे लिख रहे हैं हम लोग, ये टोटल वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 1/2 × 15, एक कॉइन की वैल्यू आधे रुपए, टोटल कॉइन 15 है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आइए, एक कॉइन का मतलब है 1/4 रुपीज़, कॉइन आपके पास कितने हैं, तो 20, तो ये टोटल वैल्यू आपके पास हो गई। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 × 5 × 7.5, और ये तो 11 हो जाएगा। तो रेशियो कितना बना, वैल्यू का रेशियो आपके लिख रहे हैं, ये जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई थी ये रेशियो ऑफ नंबर्स था, मतलब सिक्के कितने हैं, और ये जो हम लिख रहे हैं ये सिक्के को मिला के हमको रुपए कितने मिल रहे हैं इस बात का रेशियो लिख रहे हैं। 11:7.5:4×20, तो ये 5, ये 7.5 है। सबको सम कर लेंगे तो 11, 5, 16, 16, 7, 23, फिर 0.5, तो 23.5, ये आपका सम आ गया। और सवाल में इसी सम की वैल्यू 235 के बराबर रखी गई है, 235, ये 10 टाइम्स में चला जाएगा, तो एक यूनिट की वैल्यू 10। हमसे इसमें पूछा हुआ है कि 50 पैसे के सारे सिक्कों को मिलाकर आपको मूल्य कितना मिलता है, तो मूल्य का रेशियो ये हमने लिखा हुआ था, तो 7.5 की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो 7.5, तो 10 × 7.5 यानी 75, 75 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। हमसे मान लीजिए यहाँ पे पूछता नंबर, तो हम लोग इस वाले रेशियो को कहते हैं। मान लीजिए आपसे पूछता 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं, ये भी सवाल आपसे एग्जाम में बनता है, तो आप 15 × 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि 10 कर लेते। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, जिंक एंड कॉपर आर इन द रेशियो ऑफ 5:3 इन 200 ग्राम ऑफ एन अलॉय। एलॉय क्या होता है, दो मेटल का मिक्सचर, और दो मेटल यहाँ पर जिंक और कॉपर दिए गए हैं जिनका रेशियो 5:3 है, और ये जो आपका एलॉय है इसका वेट दिया हुआ है 200 ग्राम। हाउ मच ग्राम ऑफ कॉपर बी एडेड, किसको ऐड करने की बात हो रही है, तो कॉपर को, टू मेक द रेशियो 3:5। देखिए जब भी कोई मेटल इस पर्टिकुलर एलॉय में ऐड होगा या फिर निकाला जाएगा तो रेशियो तो ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाएगा, तो इसीलिए दूसरा रेशियो आपको दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे 200 ग्राम आपका एलॉय है, ये एलॉय है, इसमें दिया हुआ है कि इसमें दो टाइप के मेटल इन्वॉल्व है, जिंक और कॉपर। जिंक 5 है तो ये 3 है, सम कितना है 8, 8 का मतलब 200 ग्राम, क्योंकि इन दोनों को मिलाएंगे तभी तो अलॉय बनेगा ना, और 8 तो 200, 1 टाइम्स 8 से हम कैंसिल कर रहे हैं, तो ये कितनी बार में जाएगा, 50, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 50 ग्राम। 5 यूनिट की कितनी आ जाएगी, 50 × 5, इसी तरीके से 3 की कितनी आ जाएगी, 50 × 3, सॉरी 25 बार में जाएगा, इट्स 25 ग्राम। तो यहाँ पे 50 से मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई। क्लियर है यहाँ तक? कैलकुलेशन का आप ध्यान रखिए। तो जिंक की मात्रा इस अलॉय में कितनी हो जाएगी, 25 × 5 यानी 125 ग्राम। इसी तरीके से कॉपर कितना हो जाएगा, 25 × 3 यानी कि 75 ग्राम, तभी तो 200 ग्राम बनेगा। और कहा जा रहा है कि इसमें आप ऐड कर रहे हो कॉपर को, तो कॉपर को इसमें ऐड कर रहे हो, मान लीजिए एक्स एक्स ग्राम आपने कॉपर ऐड किया, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा, 3:5। तो शुरुआत में जिंक तो वही रहेगा 125, ऐड के क्या करना है, तो कॉपर, तो पहले कॉपर कितना था, 75, आपने इसमें एक्स ऐड कर दिया, ये रेशियो कितना हो गया, 3/5। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 225 प्लस 3x, तो यानी कि हो जाएगा 400 = 3x। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400/3 यानी कि 133 होल 1/3, 133 सही, 1/3% आप इसमें कॉपर को ऐड करोगे, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है,
अ सम ऑफ मनी रुपीज 40 to 100 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अमर एंड मदन इन द रेशियो 9:5। व्हाट इज द पार्ट ऑफ मदन? देखिए दो लोग हैं, अमर और मदन, और इनके बीच में 4200 रुपये को आपको डिवाइड करना है। तो अमर का जो शेयर है वो 9 है, इनका शेयर मदन का कितना है? 5। टोटल कितना हो जाएगा? 14। इसी 14 की वैल्यू आपकी 4200 सवाल में दी हुई है। तो ये 14 से आप काटेंगे, 3 बार में 42 जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएंगे। हम लोग से पूछा हुआ है कि मदन का हिस्सा इसमें कितना था, तो 5 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है। तो यहाँ से 5 टाइम्स, तो 300 × 5 यानी 1500। मदन को कितने रुपए मिले? तो 1500 रुपए इसको मिले। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4 इफ 12 स्टूडेंट आर इंक्रीज इन ईच क्लास देन द रेशियो चेंजेस टू 8:11:14। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 3 क्लासेस इन द बिगनिंग वॉज। देखिए 3 क्लास है, मान लीजिए ए बी और सी, और इनमें कितने कितने स्टूडेंट थे? सिंपल सा रेशियो आपको दिया हुआ है, 2:3:4। ये सिंपल सा रेशियो है इनके स्टूडेंट्स का रिस्पेक्टिव क्लासेस में। क्लियर है? तो स्टूडेंट एक्चुअली कितने थे? मान लीजिए 2x, 3x और 4x थे। कहा जा रहा है कि 12 स्टूडेंट को तीनों क्लास में बढ़ा दिया जाता है, तो ये कितने हो गए? 2x + 12, 12 इसमें भी बढ़ा दीजिए, 3x + 12। सिमिलरली 12 इसमें भी बढ़ाना है, तो 4x + 12, तो ये हो गया। फिर कहा जा रहा है कि ऐसा करने से 8:11:14 का रेशियो आपका फाइनली मिलता है। तब आप इसके दो तरीके हो सकते हैं करने के, या तो इनको एक साथ ले लीजिए या तो इनको आप एक साथ ले सकते हैं। तो मैं ये वाला केस लेता हूँ, 2x + 12 / 3x + 12, ये हो जाएगा 8/11। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, 22x + 12 × 11 = 132, ये 24x + 12 = 96, माइनस हो जाएगा 2x, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 36। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 18। एक्स तो आ गया 18। हमसे पूछा क्या है कि टोटल स्टूडेंट का जो सम है शुरू में जो इन क्लासेस में था वो क्या है। तो आप देख लीजिए इसमें, ये आपको बताना है इनका सम। तो 2, 3, 5, 4, 9, तो 9x की वैल्यू बतानी है। एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो 9 × 18 यानी 162। तो 162 टोटल मिला के क्लासेस में लड़के थे, मतलब स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है। अ पर्सन बॉट सम राइस एंड वीट फॉर ₹380। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस एंड वीट इज 4:3 एंड द प्राइस ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ राइस एंड वीट इज इन द रेशियो ऑफ 5:6। द राइस वॉज बॉट ऑफ वर्थ। देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटी की बात की जा रही है, चावल और गेहूँ, ये राइस है और ये है वीट, और दो रेशियो आपको इनके करस्पॉन्डिंग दिए हुए हैं। एक रेशियो आपको क्या बताता है कि कितने किलो आपने राइस खरीदा और कितने किलो आपने वेट खरीदा, मान लीजिए किलो में खरीद रहे हैं। और जो दूसरा रेशियो है आपका, वो क्या बताता है हमको कि जो राइस है और ये जो वीट है इनका 1 किलो का प्राइस कितना था। तो ये देखिए, ये है नंबर ऑफ केजी यानी कितने किलो आपने लिया, और ये है प्राइस पर केजी, 1 किलो कितने का था। तो ये नंबर ऑफ केजी का रेशियो आपको दिया हुआ है 4:3। अब ये प्राइस पर केजी यानी कि 1 किलो आपको कितने का पड़ रहा था, इस चीज़ का रेशियो 5:6 आपको दिया है। तो कितना खरीदा ये आपको कैसे निकाल सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके। देखिए टोटल कॉस्ट यानी कि इनको लाना है अगर आपको मार्केट से खरीद कर, तो कितना खर्चा आपको करना पड़ेगा, वो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ केजी इंटू प्राइस पर केजी। क्लियर है यहाँ तक? जितने किलो आप खरीद रहे हैं और 1 किलो का प्राइस कितना है। अगर आप ये सिंपल सा हिसाब किताब लगा सकते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए आसान है। 4 × 5 कितना हो जाएगा? 20। और इसी तरीके से 3 × 6 कितना हो जाएगा? तो 18। तो ये 20:18 का रेशियो यहाँ पे आ चुका है। हम चाहें तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर अगर आप इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 38 सम। अब यहाँ पे जो सम है वो 380 आपको दिया हुआ है, तो 38 की वैल्यू 380 है। तो ये 38 से सीधे कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आ गई। आपसे पूछा हुआ है कि राइस का टोटल कॉस्ट कितना था, यानी कि अगर आपको मान लीजिए चावल खरीदना है तो कितने पैसे आपको पे करने पड़े। तो 18 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो 18 × 10, 1 यूनिट की 10, तो 18 × 10 यानी 180। तो 180 रुपये कुल मिला के खर्च करने पड़ेंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को?
अगला क्वेश्चन रेशियो का एप्लीकेशन है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में। एज से रिलेटेड आपको एक से दो सवाल आपके पेपर में जरूर देखने को मिल सकते हैं। दिया हुआ है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2 एंड 5 ईयर्स बैक, 5 ईयर्स बैक द रेशियो वॉज 1:3। वॉट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स। देखिए तीन केस दिए हुए हैं, एट प्रेजेंट 5 साल पहले और 5 साल बाद का, और दो पर्सन्स की बात की जा रही है, आपस में भाई भाई हैं ए और बी। मान लीजिए इनकी एज का रेशियो दिया हुआ है आपको 1:2, तो मान लीजिए इसकी एक्स है और इसकी 2x है एज अभी, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी x-5 और इसकी हो जाएगी 2x-5। इनके बीच का रेशियो आपको दिया हुआ है x-5/2x-5, ये है 1/3। सॉल्व कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 3x-15, और ये तो एज इट इज लिखा जाएगा 1 times 2x-5, ये लेस हो जाएगा x और ये भी लेस हो जाएगा, सेम साइन है 10, तो x की वैल्यू आ गई 10। हम लोग से यहाँ पे पूछा हुआ है कि 5 साल बाद दोनों की एज का रेशियो क्या होगा, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे जल्दी से। इधर देखिए आप, ए की एज अभी कितनी है x, तो 5 साल बाद कितनी होगी x+5। इसी तरीके से बी की एज कितनी है 2x, तो 5 साल बाद कितनी होगी 2x+5। एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए 10+5, 10 × 2+5 15, 10 × 2 = 5 25, 5 × 3 = 5, 5 × 5 =, तो 3:5 का फाइनल रेशियो यहाँ पे आ गया इनकी एजेस का, वो भी 5 साल बाद। यही हमसे पूछा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर है सभी को? अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इसमें दिया हुआ है अ बैग कंटेन्स 50 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ नोट्स। कोई बैग है, इसमें तीन टाइप के नोट हैं, 50 रुपए के, 20 रुपए के और 5 रुपए के कुछ नोट हैं। कितने हैं पता नहीं, इनका रेशियो दिया हुआ है 4:5:6। आगे है द टोटल सम ऑफ मनी इन द बैग इज ₹3,300। फाइंड द नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इन द बैग। देखिए कोई बैग है, उसमें तीन टाइप के नोट हैं, 50 रुपए का, 20 रुपए का, 5 रुपए का। ये एक नोट की वैल्यू है, मतलब अगर मान लीजिए एक नोट है वो या तो 50 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा, या तो 20 रुपए को, या तो 5 रुपए को। क्लियर है? और यहाँ पर लिख लीजिए आप नंबर ऑफ नोट्स। नंबर ऑफ नोट्स आपको एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन इनका सिंपल सा रेशियो आपको दे रखा है 4:5:7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपको? अब ये बताइए टोटल सम ऑफ मनी कैसे निकलेगा। तो टोटल सम ऑफ मनी आपका निकलेगा वैल्यू ऑफ वन नोट इंटू नंबर ऑफ नोट, एक नोट की जितनी वैल्यू है इंटू नंबर ऑफ नोट्स, कितने नोट हैं इनका मल्टीप्लिकेशन आपको दे देगा टोटल सम ऑफ मनी। ये आप सिंपल सा केस याद रखेंगे, आपको सिंपल हो जाएगा ये करने के लिए। तो 50 × 4, इसी तरीके से 20 × 5, सिमिलरली 5 × 7, सॉरी यहाँ पे 6 हो जाएगा, 4:5:6 दिया था, तो 5 × 6 ये कितना हो जाएगा 50 × 4 यानी 200, 20 × 5 यानी 100, 5 × 6 = 30। तो ये इनके बीच का सिंपल सा रेशियो हो गया, आप इसको सम कर लीजिए कितना आ रहा है 330, जबकि सवाल में इसी 330 की वैल्यू 3300 दे रखी है, तो ये चला जाएगा सीधे सीधे 10 टाइम्स में, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10 आपकी आ चुकी है। अब देखिए पूछा क्या हुआ है आपसे, तो 50 रुपए के नोट कितने थे ये पूछा हुआ है, तो आप रेशियो किसका लेंगे, नंबर्स का, कितने मतलब नंबर, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, तो 10 × 4 यानी 40, तो 50 50 के इस बैग में 40 नोट हैं। अगर मान लीजिए पूछ लेता कितने रुपए हैं 50 50 वाले, तो 50 × 40 यानी 2000 हो जाता, 40 आपके नंबर हैं और एक नंबर मतलब 50 रुपए, तो 2000 हो जाता मान लीजिए पूछा होता तो। चलिए क्लियर है आपको? ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस का है। एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ माया एंड छाया इज 6:5 एंड 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ द रेशियो विल बी चेंज टू 9:8। जाहिर सी बात है चेंज हो जाएगा। माया प्रेजेंट एजेस, देखिए दो लोग की बात की जा रही है, माया और छाया, इनकी एज का रेशियो अभी दिया हुआ है 6:5, तो एज आप मान लीजिए एक की है 6x, दूसरी की है 5x, 15 साल आगे आप इनको करेंगे तो दोनों की एज में 15 15 साल का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो माया की कितनी हो जाएगी 6x+15, तो इनकी कितनी हो जाएगी छाया की, तो 5x+15। यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद ये रेशियो चेंज होके हो चुका है 9:8, तो यानी कि 6x+15 / 5x+15
दैट बिकम्स 9/8। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये चीज़ 8 गुना हो जाएगी, 48x प्लस 15 8 120, ये हो जाएगा 40x, और ये हो जाएगा 15 × 9 यानी कि 135। लेस हो जाएगा 8x हो जाएगा, सॉरी 9 5 45 होता है, तो 3x हो जाएगा। कैलकुलेशन का आप ध्यान रखिए, ये कितना हो जाएगा लेस हो के 15, 135 माइनस 120 यानी 15। 3x की वैल्यू 15 है तो x की कितनी हो जाएगी 5। हमसे पूछा हुआ है माया की परसेंटेज कितनी है, तो 6x की वैल्यू आपसे पूछी हुई है, तो 6x यानी 6 × 5 यानी 30। तो 30 साल इनकी उम्र है माया की, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 9:4। इफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज 800 मोर देन द टोटल सेविंग देन व्हाट इज द इनकम। देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपका यूज हो रहा है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम का मतलब होता है जितनी उसकी अर्निंग है, मतलब जितना वो कमाता है। एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा, जितना वो महीने में, साल में या कितने भी टाइम पीरियड में खर्च करता है, और सेविंग इतना होने के बाद जो बच जाता है। देखिए जितना कमाएगा उसी में से तो खर्चा करेगा ना, और खर्च होने के बाद जो बचेगा वही तो इसकी सेविंग हो जाएगी ना। तो ये तो आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट था, इसमें हम लोग को दिया हुआ है कि इनकम और सेविंग का रेशियो, तो इनकम की जगह पे 9 हो जाएगा और सेविंग की जगह पे 4 हो जाएगा। तो एक बात बताइए एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा इनका डिफरेंस यानी कि 5। और दिया हुआ है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो डिफरेंस है वो 800 है, तो यहाँ पर आप डिफरेंस ले लीजिए कितना आ जाएगा, एक एक मतलब 800। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 800 रुपये आ गई। अब पूछा हुआ है कि इसकी शुरू में इनकम क्या थी, तो 9 यूनिट की वैल्यू पूछी हुई है, तो यहाँ से 9 टाइम्स, तो यहाँ से भी हो जाएगा 9 टाइम्स मतलब 9 गुना, 800 × 9 यानी 7200, 9 8 72 और ये 2 0, तो 7200 रुपये इसकी इनकम हो गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। ऑप्शन को ध्यान से मार्क करिएगा, सारे ऑप्शन लगभग मिलते जुलते हैं यहाँ पे। कुछ लोग हो सकता है कि आंसर को सही निकाल लें और ऑप्शन को करेक्ट टिक ना करें, उस सूरत में भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलिए अगला आपका क्वेश्चन है। थ्री पर्सन्स ए बी एंड सी, तीन पर्सन ए बी एंड सी हुज सैलरीज टुगेदर अमाउंट टू ₹77,000 स्पेंड 80%, 85% एंड 75% ऑफ देयर सैलरीज रेस्पेक्टिवली। इफ देयर सेविंग्स आर इन द रेशियो ऑफ 8:9:10 देन वॉट इज ए सैलरी। देखिए तीन पर्सन है ए बी और सी, और इनकी सैलरी का जो सम है वो 77,000 दिया हुआ है। साथ ही साथ कहा जा रहा है ये 77,000 है, साथ ही साथ आपसे बोला जा रहा है कि ए जो है 80% सैलरी खर्च कर देता है, इसी तरीके से बी 85% अपनी सैलरी खर्च कर देता है, और ये जो सी है ये 75% अपनी खर्च कर देता है। तो बचाते ये लोग कितना कितना है, तो ये 20% बचाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम हमेशा 100% होती है। अपने परसेंटेज की क्लासेस में मैं इस बात की चर्चा कर चुका हूँ कई बार। इसी तरीके से बी कितना सेव करेगा, 15%। सी कितना सेव करेगा, 25%। यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब अगर हमें किसी तरीके से इनकी सैलरी का रेशियो मिल जाए तब हम अपना काम आसानी से कर सकेंगे। तो 20% का मामला तो पता है क्योंकि दिया हुआ है कि इनकी सेविंग का रेशियो 8:9:10 है। तो ये सब 20%, 15% और 25% का केस है ना, हमको 100% की निकालना है इनका। तो अगर हम बात करें ए की, तो 20% का मतलब 8 है, ये 8:B:C है, ठीक है। इनकी सेविंग्स का रेशियो ये दिया हुआ है, हमको किस बात से मतलब है, इनकम का रेशियो किसी तरीके से हमको पता चल जाए तब हम अपना आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि इनकम का जो सम है वो दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए 20% का मतलब 8 है, तो 100% का मतलब क्या होगा, तो यहाँ से 5 टाइम्स और यहाँ से भी हो जाएगा 5 टाइम्स। तो ये जो इनकम का जो रेशियो हम निकालने जा रहे हैं उसमें ए का पार्ट हमें मिल चुका है, 8×5=40, 5 टाइम्स, तो ये 40 हो गया। बात कर लेते हैं बी की, तो देख लीजिए इसमें ये हो जाएगा, दिया हुआ है 15% का मतलब 9 है। यहाँ पे हम देखें सेविंग्स तो 15% हो जाएगी, उसी चीज़ की वैल्यू 9 है, तो 100% कितना हो जाएगा, क्योंकि किसी की सैलरी हमेशा 100% होती है। लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे कि सर बार बार 100% क्यों निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हमें सैलरी चाहिए ना, इनकम चाहिए इनकी। तो ये कितना हो जाएगा, आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100×9 / 15,
से आप कैंसिल करेंगे, 3 टाइम्स 5 टाइम्स, 5 से 20 बार में जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60। बी का पार्ट हमें मिल चुका है 60। बात कर लेते हैं अब सी की, तो ये भी हमें आसानी से मिल जाएगा। परसेंटेज के हिसाब से आप देखिए तो कितना दिया हुआ है, 25%। 25% का मतलब 10 है, तो 100% का मतलब क्या होगा ये हमें बताना है। तो इधर से 4 टाइम्स, तो यहाँ से भी 4 टाइम्स, तो 10 × 4 यानी 40। तो ये भी पार्ट आपको मिल गया 40। यहाँ तक क्लियर है? 20 से आप इस सिंपल से रेशियो बना सकते हैं काट के, तो 22 जा 23 जा अगेन 22 जा, इसको सम अप करिए तो कितना आ रहा है, 2 3 5 2 7। 7 का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है 77,000। तो 1 का मतलब कितना हो जाएगा, 1177 यानी कि 11,000। अब आप आइए, आपसे पूछा क्या गया है, तो 1 की सैलरी आपसे पूछी गई है, तो यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो ये डबल हो जाएगा मतलब 22,000। तो 1 की सैलरी कितनी आ गई, 22,000। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना था कि पहली बात तो इसको कन्वर्ट कर लेना था इनकम में, चाहे बात परसेंटेज से हम डील करें चाहे रेशियो से डील करें। रेशियो की अगर हम बात करें तो सेविंग से इनकम पे जाना था, परसेंटेज की बात करें तो हमको जाना कहाँ था, एक्सपेंडिचर से सेविंग की तरफ, क्योंकि सेविंग से सेविंग हम मिला देते, फिर यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल के हम इनकम पे पहुँच जाते। क्लियर है सभी को? जिनको ना हो तो वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिए, इसके बाद भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ है बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग ₹117 अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2:1:3:1:4, इट वॉज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। पूछा हुआ है कि हु गेन्स द मोस्ट एंड बाय। देखिए तीन लोग की बात हो रही है, ए बी और सी की, और यहाँ पर दो रेशियो गिवन है आपको। पहला रेशियो वो है जिसमें डिवाइड करना था, तो वो ट्रू रेशियो हो जाएगा। तो ट्रू रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2:1:3:1:4। और एक रेशियो आपका रॉन्ग रेशियो हो जाएगा जिसमें डिवाइड कर दिया, तो दिया हुआ है इट वॉज डिवाइडेड इन 2:3:4, तो ये आपका हो गया गलत रेशियो। इतना अब हमें यहाँ पे सिंपल सा काम करना है, एक बार इस रेशियो को यूज़ करना है, एक बार इस रेशियो को यूज़ करना है, और पता लगाना है कि जो ये जो चेंजेस आपको देखने को मिले इसमें से किसका फ़ायदा हुआ और किसका नुकसान, और एग्जैक्ट बताना है कि किसका फ़ायदा हुआ और कितने रुपए से। क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? ये जो आपका ट्रू रेशियो है, अब आप इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। तो 12 से तीनों साइड मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, 1:3 × 12, 1:4 × 12, ये 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स, तो कितना आ गया, 6:4:3, ये ट्रू रेशियो है। फिर गलत रेशियो आपका पहले से सिंप्लीफाइड है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो पहले इस वाले रेशियो को लेकर के चलें, आप सम ले लें, 6 4 10 3 13, 13 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 117, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 9 जा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। अब आप बांट दीजिए पैसे को, तो 9 6 जा 54 ये ए को मिलेगा, 9 4 जा 36 36 ये बी को मिलेगा, 9 3 जा 27 ये किसको मिलेगा, सी को। यहाँ तक क्लियर है आपको? अब आप इस वाले रेशियो को लें, सम ले लीजिए आप, 2 3 5 4 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 117, तो ये 13 बार में चला जाएगा। अब आप निकाल लीजिए वैल्यू, ए की अगर हम बात करें तो डबल हो जाएगा, 13 × 2 26, बी की बात करें अगर हम तो 13 3 जा 39, इसी तरीके से सी पे अगर हम चलें तो 52 हो जाएगा, 4 गुना 13 का। अब आप कंपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ए बी सी यहाँ पे भी हैं, ए बी सी यहाँ पे भी हैं। बात करते हैं ए की, तो इसका इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये ए को है 28 रुपये का लॉस हो रहा है, -28 का फर्क है। बात करते हैं बी की, तो इसको 3 रुपये का गेन हो रहा है। फिर सी की अगर हम बात करें तो इसको 25 रुपये का गेन हो रहा है। तो हमसे पूछा हुआ कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हुआ, तो सी को हुआ, कितने रुपए से, तो 25 रुपए से। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे आप कन्फ्यूज़ मत करिएगा, कुछ लोग क्या करेंगे कि रॉन्ग रेशियो और राइट रेशियो में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर लेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग, यानी कि इसमें डिवाइड करना था, तो ये ट्रू रेशियो है आपका। तो फॉल्स रेशियो क्या है फिर, ये वाला। तो इस रेशियो में अगर हमने रुपए के का बंटवारा किया तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ सी को, 25 रुपए से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माधुरी दीक्षित एंड श्रीदेवी इन्वेस्टेड टुगेदर अ सम ऑफ मनी 66,300 इन अ म्यूचुअल फंड कंपनी इन द रेशियो ऑफ 4:9। व्हाट इज द सम ऑफ मनी इन इन्वेस्टेड बाय माधुरी दीक्षित। देखिए दो एक्ट्रेस हैं, मतलब दो कोई भी पर्सन हो सकते हैं सवाल के हिसाब से, माधुरी और श्रीदेवी। इन्होंने एक कंपनी में पैसा लगाया इस रेशियो में, 4:9 के रेशियो में, और टोटल मिला के जो इन्होंने पैसा लगाया वो दिया हुआ है 66,300। रेशियो के हिसाब से सम कितना है तो 13, तो 13 यूनिट की वैल्यू इतनी है। आप इसको 13 से ही काट सकते हैं सीधे, 5 टाइम्स 65 ये 1300 बच जाएगा, तो 13 वन ज़ा 13 ये 2 0 यहाँ पे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5100 आ गई। हमसे पूछा हुआ है इसमें कि माधुरी ने कितना पैसा लगाया, तो 4 यूनिट्स की वैल्यू हमसे पूछी हुई है, तो यहाँ से 4 टाइम्स, यहाँ से भी हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 5100 × 4 यानी 5000, तो 4 कितना हो जाएगा 20,000, और ये 400, तो कुल मिला के 20,400 इतने रुपए लगाए थे माधुरी दीक्षित जी ने। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, आई होप सभी को समझ में आए होंगे सॉल्यूशंस, और काफ़ी लोगों ने बिना मेरी एक्सप्लेनेशन देखे इसको करेक्टली अटेम्प्ट भी कर लिया होगा। ऐसे ही आप आगे आगे बढ़ते रहिए, हम भी अपनी स्पीड से आगे बढ़ते रहेंगे, और रिवीजन भी साथ साथ में करते जाइएगा। थैंक यू।